हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे डिफाई के ब्रांड न्यू नेक बैंड जो कि है फ्यूजन एक्स प्रो। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या है इस नेक बैंड के फीचर्स और इसका जो बजट है दोस्तों वो वन ऑफ द बेस्ट है अपनी कैटेगरी में, क्योंकि दोस्तों अंडर 800 रुपीज में आपको गेमिंग मोड, साथ ही साथ मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और साथ ही साथ ENC टेक्नोलॉजी मिलना काफी ज्यादा इंपॉसिबल होता था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन डिफाई ने कर दिखाया है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल रिव्यू बताऊंगा अपने यूज के बाद और आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी इस नेक बैंड के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं कभी भी इसका गिव अवे अनाउंस कर दूंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आप इस नेक बैंड को बेस्ट प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट के साथ भी कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और गिव अवे वीडियोस लाते रहते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं उनके डील्स और ऑफर सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आपको इसके बॉक्स को ओवरव्यू दिखा देता हूं। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, बॉक्स के साइड में आपको दिख जाते हैं इसके कुछ फीचर्स। जैसा आप देख सकते हैं, ENC माइक्रोफोन मिल जाता है जिससे आपकी कॉल एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। और अगर बॉक्स के पीछे की बात करें तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसकी MRP इधर 1999 रुपीज है, लेकिन दोस्तों इस स्पेशल लॉन्च ऑफर पे लॉन्च हो रहा है अराउंड 799 रुपीज पे फ्लिपकार्ट पे। और इसका मैंने बेस्ट बैंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि शॉपसी ऐप का है, जो कि फ्लिपकार्ट की खुद की ऐप है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप उस लिंक पे जाके बाय करेंगे तो आपको एडिशनल 100-150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और आगे भी आपको ऐसे कई ऑफर्स शॉपसी ऐप पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद अगर आप इस नेक बैंड को लेने का मन बना लेते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके बाय करिएगा। तो दोस्तों, बॉक्स के अगर दूसरे साइड के फीचर्स की बात करें तो इधर आपको मिल जाती है टर्बो मोड, जिसमें आपको लो लेटेंसी मिल जाएगी अप टू 60 ms की। और साथ ही साथ बैटरी बैकअप की बात करें तो 16 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम और 10 मिनट्स में आपको 8 आवर्स तक का फास्ट चार्जिंग मोड भी मिल जाएगा। तो इन सारे फीचर्स को अभी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, बॉक्स कंटेंट्स में सबसे पहले हमें दिख जाता है डिफाई फ्यूजन एक्स प्रो। और अगर आगे बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिल जाएगी। तो दोस्तों, वारंटी से याद है एक बहुत अमेजिंग ऐप जिसका नाम है VVouch, और उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सारी इनवॉइसेस को वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी ब्रांड या किसी भी टाइम पे आपको उस ब्रांड के किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, रिपेयर चाहिए, तो आप सिंपली VVouch पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं थोड़ी बहुत डिटेल्स भर के, और उसके बाद आपका सारा काम VVouch ऐप संभाल लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना। और VVouch जो है वो ओरिजिनल ब्रांड से आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, चाहे आपके प्रोडक्ट की कोई रिपेयर हो या फिर दोस्तों आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी हो, सारी चीजें VVouch हैंडल करेगा ओरिजिनल ब्रांड से। और आपकी वारंटी एक्सपायर होने से पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा जिससे आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं अपनी वारंटी से रिलेटेड। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है VVouch की ऐप पे, वर्चुअल असिस्टेंट Vivo। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके VVouch ऐप को डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ आगे बात करें तो इधर आपको ईयर टिप्स मिल जाती है जिसको आप इजीली अपने कान के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है टाइप सी चार्जिंग केबल, जो कि काफी अच्छी बात है कि इतने बजट प्राइस में भी डिफाई ने प्राइस कटिंग ना करते हुए भी आपको टाइप सी चार्जिंग केबल दी है, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स प्राइस कटिंग के लिए इतने कम बजट में माइक्रो USB केबल प्रोवाइड कर देते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने अब नेक बैंड को अपने बॉक्स से निकाली और जैसा आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग काफी ज्यादा अच्छी मिली हुई है डिफाई की तरफ से। और बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे आने से पहले मैं इसकी सारी पैकिंग उतार देता हूं आपके सामने। और ईयरबड्स को भी देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेड कलर में मंगवाया, काफी डिसेंट पैकिंग के साथ आ जाते हैं। और सबसे बड़ा हाईलाइट जो इस प्रोडक्ट का है वो है दोस्तों इसकी मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ का फीचर। तो दोस्तों, जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैंने इसकी सारी पैकिंग खोल दिया। अब आ जाते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर जो बटन्स की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस माइनस और मल्टीफंक्शनल बटन इधर आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ इधर आपको मिल जाता है इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जिसकी कवरिंग काफी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड की गई है। और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है मुझे इस नेक बैंड की। और दोस्तों, दूसरी साइड पर अगर बात करें तो इधर आपको डिफाई की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लग रही है इस ग्लॉसी फिनिश के साथ। वायर की अटैचमेंट काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड की गई है, बिल्कुल आपका लंबा चलेगा नेक बैंड और वायर ब्रेकिंग के इशू नहीं फेस होगा। और अब आ जाते हैं ईयरबड्स पे। तो ईयर टिप्स जो है दोस्तों, इसकी फिन लाइक डिजाइन में आ जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात यह है कि रिमूवेबल है। और साथ ही साथ जो इसके ईयर टिप्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कान के साइज के हिसाब से, क्योंकि बॉक्स में आपको मिल जाते हैं अलग अलग साइज के ईयर टिप्स। और अगर बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे आपको मिल जाती है मेटालिक फिनिश, जिससे आपको मैग्नेटिक अटैचमेंट मिल जाती है। और मैग्नेटिक अटैचमेंट की खासियत यह है कि इसमें आपको ऑन एंड ऑफ का फीचर भी मिल जाता है। और मैग्नेटिक अटैचमेंट दोस्तों काफी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा ये बात। और यहाँ पे आपको डिफाई की ब्रांडिंग भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अगर साइड से बात करें तो दोस्तों ऑल दो ये प्लास्टिक है, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको मेटालिक फिनिश मिल जाती है और इस नेक बैंड को काफी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में मुझे नेक बैंड काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इसका जो बैंड है वो भी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का और काफी फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको कहीं पे भी इजिली फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। तो जरूर देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसा रहता है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए इन ईयरबड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ का फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ईयरबड्स को सेपरेट करते ही यहाँ पे आपको LED इंडिकेशन से पता चल जाएगा कि ये पेयरिंग मोड में एंटर कर चुका है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लूटूथ मोड को ऑन कर लेते हैं अपने डिवाइस के। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं Defy Fusion Pro आ गया है और इसकी पेयरिंग हो रही है। तो दोस्तों जैसा आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा Defy Fusion X Pro कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि AAC सपोर्ट भी मिल जाता है, कि काफी अच्छा कोडेक सपोर्ट होता है। और साथ ही साथ बैटरी बैकअप जो भी मेरे नेक बैंड का है वो है 80%। तो दोस्तों मैं इस नेक बैंड को काफी देर से यूज करूँ, और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको आराम से 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर बात करें कि ये कितनी देर में चार्ज होता है कम्प्लीटली, तो दोस्तों 50 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये नेक बैंड कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। और फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो आपको 10 मिनट के चार्जिंग से अराउंड 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी तरह नॉर्मल यूज करते हैं इस नेक बैंड को, तो आपका नेक बैंड आराम से 14-15 घंटे चल जाएगा। दोस्तों अब अगर बात करें साउंड रिव्यू की, तो अपना साउंड रिव्यू देने से पहले मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाना चाहूंगा कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। तो जरूर सुनिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये था इसका लाइव साउंड टेस्ट जो कि मैंने आपको करके दिखाया। तो अब मैं अगर अपने प्रैक्टिकल यूज के बाद साउंड एक्सपीरियंस की बात करूं, तो अगर बात करें इसके बेस की, तो इसमें काफी बैलेंस्ड बेस प्रोवाइड किया गया है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन दोस्तों लाउडनेस की बात करें तो वो मुझे थोड़ी कम लगी, लेकिन बाकी नेक बैंड से कंपेयर करें तो उनकी लाउडनेस काफी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों साउंड डिस्टॉर्ट होने लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, साउंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होती। और इसके मिड्स, हाइज और लोस तीनों काफी ज्यादा बैलेंस लगे मुझे। और सबसे अच्छी बात जो है वो है दोस्तों इसके वोकल्स की क्लैरिटी वन ऑफ द बेस्ट है नेक बैंड की अभी तक मैंने जितने भी यूज किए हैं, क्योंकि दोस्तों क्लैरिटी वाइज जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप साउंड क्लैरिटी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये नेक बैंड वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब साउंड रिव्यू के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो जैसा आप जानते हैं अभी जो आप आवाज सुन रहे वो एक प्रोफेशनल माइक से आ रही है, और अब आप जो आवाज सुनेंगे वो इस नेक बैंड के माइक से आएगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको Defy Fusion X Pro की माइक की क्वालिटी। तो अब जल्दी से दोस्तों मैं आपको इसके टच कंट्रोल्स दिखा देता हूँ कि कैसे हैं इसके टच कंट्रोल्स की फंक्शनैलिटी और कितने इजीली आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं अगर आप मल्टीफंक्शनल बटन को प्रेस करते हैं तो आपका म्यूजिक प्ले या पॉज हो जाता है, जैसा आप इधर देख सकते हैं। और जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करते हैं प्लस बटन को, तो आपका सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाता है, और माइनस पे लॉन्ग प्रेस करने से आपका प्रीवियस सॉन्ग पे वापस आ जाता है। और दोस्तों अगर बात करें वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं प्लस और माइनस बटन से, तो इससे इजीली आपका वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है सेंट्रल मल्टीफंक्शनल बटन को, और आपका गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अब अगर कुछ और एडिशनल टच कंट्रोल्स की बात करें, तो अगर आप कॉल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीफंक्शनल बटन को टैप करना है, और अगर आप कॉल को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 सेकंड्स तक प्रेस करना है मल्टीफंक्शनल बटन को, और अगर आप नॉर्मल कॉल के दौरान आप कॉल को एंड करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट प्रेस करना है मल्टीफंक्शनल बटन को, और लास्ट नंबर को अगर आप रीडायल करना चाहते हैं तो आपको डबल टैप करना है मल्टीफंक्शनल बटन को। और अगर बात करें कि आप गेमिंग मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको ट्रिपल टैप करना है मल्टीफंक्शनल बटन को, उससे आपका टर्बो मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको 60 ms तक की लो लेटेंसी मिल जाएगी। वो हम अभी लाइव टेस्ट में आपको चेक करके दिखा देंगे। तो दोस्तों अब अगर फाइनली कंक्लूजन की बात करें कि क्या आपको इस नेकबैंड को लेना चाहिए 799 rupees के प्राइस पे, तो मेरा आंसर होगा यस, ये नेकबैंड मस्ट बाय ऑप्शन है इतने अमेजिंग प्राइस ऑफर पे। क्योंकि दोस्तों मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ इतने अमेजिंग प्राइस ऑफर पे मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था कुछ टाइम पहले, लेकिन इस नेकबैंड ने कर दिखाया, तो आप जरूर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों इतने कम बजट में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलना काफी अच्छी बात है, और साथ ही साथ ENC टेक्नोलॉजी मिलना और गेमिंग मोड मिलना, और उसके साथ साथ दोस्तों ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन मिलना जो कि काफी अच्छी बात है, यानी कि दोस्तों ये डिवाइस ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर देता है अगर आप ओवर चार्जिंग कर देते
सकते हैं इस डिवाइस को, और यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेशन के साथ ये पता भी चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट चार्ज हो चुका है। तो इतने सारे फीचर्स सिर्फ 799 में मिलना काफी अच्छी बात है, और अगर आप मेरे लिंक से जाके नीचे बाय करते तो आपको एडिशनल 100 से 150 रुपीज का डिस्काउंट वैसे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इफेक्टिवली ये प्रोडक्ट काफी सस्ते प्राइस पे आपको मिल जाएगा, और इतने अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट लेना जरूर बनता है, और दोस्तों आगे जाके इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि इतने सस्ते में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना काफी इंपॉसिबल है। तो जरूर आप जाके इस प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है शॉपसी ऐप का जो कि फ्लिपकार्ट की ऐप है। तो अब अगर बात करें दोस्तों कि आप गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने 10 दोस्तों या ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है, और ये सब करते ही आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेंगे। और इस गिव अवे का विनर मैं अनाउंस करूंगा इंस्टाग्राम पे जैसे इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे, तो जरूर जल्दी से लाइक टारगेट अचीव करा दीजिए। और आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, टेक मंजिल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।